इस रात मिली है देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे इलाके में बारिश हुई है, जमकर यह बारिश हुई है। और तस्वीर देखिए, देहरादून की तस्वीरें, देहरादून की सड़कें किस तरीके से यहां पर नजर आ रही हैं, जहां बारिश के बाद जलजमाव भी हुआ है। हालांकि मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशनुमा हो गया है और लोगों को निजात यहां पर गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है। और चलिए बात बागेश्वर के मौसम को लेकर के कर लेते हैं, जहां पर भी ऐसा देखने को मिला है कि मौसम ने यहां पर करवट बदली है। पूरे इलाके में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तेज बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हुआ नजर आया। तो देखिए, जल जमाव की स्थिति बारिश के बाद ओलावृष्टि के बाद यहां पर देखने को मिली। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन अब इंतजाम कर रहा है। हालांकि तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और चलिए बात चारधाम यात्रा को लेकर के कर लेते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग बाबा केदार के दर पर जिस तरीके से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, बाबा के दर पर जो लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, उनको लेकर के व्यवस्थाएं एक तरफ पुख्ता हो रही है। चमोली बद्री विशाल में भी भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री की बात करें, गंगोत्री की बात करें, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी भारी भीड़ उमड़ रही है। चारधाम यात्रा के हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में ही एक कीर्तिमान स्थापित करता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं चारधाम यात्रा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ धाम की बात करें तो भक्त रिकॉर्ड संख्या में बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री की बात करें और गंगोत्री की बात करें तो यहां पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाजा रजिस्ट्रेशन को भी भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें चारधाम यात्रा की एक एक तस्वीर देखी जा सकती है। किस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के इंतजाम नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चारधाम यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी है। सुबह से ही पर्वतों की रानी मसूरी में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी है, जिसका पर्यटकों ने जमकर